हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल H2O से बनता है। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करता है। वहीं हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह वाटर में प्रेजेंट सभी H2O मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अट्रैक्ट्स टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। एज यू कैन सी हियर, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गेट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स दिस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ अनदर एटम। इसी तरह से वाटर में प्रेजेंट सारे H2O मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगर हम वाटर के अंदर प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल के आसपास प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो गया है। इसी वजह से वाटर की सरफेस को छोड़कर उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन सब का नेट फोर्स ज़ीरो होगा, बिकॉज उनमें हर डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सरफेस पे प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को उसके नीचे प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, साथ ही वो एक दूसरे की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। पर सरफेस पे प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स में ऊपर की डायरेक्शन से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इस वजह से इनका नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, तो इनका नेट मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। तो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का नेट फोर्स ज़्यादा होता है और इस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स लिक्विड्स श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। अगर हम लंग्स के अंदर प्रेजेंट एल्वियोलाई को देखें तो ये कुछ इस तरह की दिखती हैं। These balloon-like alveoli helps in exchange of gases. इन alveoli को अगर हम zoom करके देखें, यानी अगर हम single alveolus को देखें, तो ये कुछ इस तरह का structure दिखाई देता है। Here you can see there are two different types of cells present in alveolus. इन cells के name और इनके functions को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम lung surface tension को समझते हैं। सेल की सरफेस के ऊपर वाटर की एक लेयर प्रेजेंट होती है। इस लेयर को मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। अब इस एल्वियोलस के एक पार्ट को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब हमें पता है कि वाटर की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो नीचे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और श्रिंक होने की कोशिश करेंगे और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। जब एयर एल्वियोलस के अंदर एंटर करती है और वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा श्रिंक होते हैं और सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हैं। एयर के कॉन्टैक्ट में आने से वाटर मॉलिक्यूल का सरफेस टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से वो एल्वियोलस को कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। एल्वियोलस इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो अंदर आई हुई एयर को बाहर भेजने की कोशिश करता है और इस फिनोमिनन को लंग सरफेस टेंशन बोलते हैं। We can calculate surface tension by this formula, where P is equal to 2 into T upon R. Here P is change in pressure, T represents surface tension and R is for radius. Alveoli different size के होते हैं, इस वजह से उनमें लगने वाला pressure भी अलग-अलग होता है. According to formula, surface tension increase होगा तो pressure भी increase होगा, और अगर radius increase होगा तो pressure decrease होगा. Because radius is inversely proportional to pressure. इसका मतलब alveolus जितना बड़ा होगा उसका surface tension उतना ही कम होगा. Now back to alveolus. अब हम इसके अंदर present cells के functions को देखेंगे. Lung cells जिन्हें हम pneumocytes भी बोलते हैं. Alveolus में दो type के cells present होती हैं. First is type 1 pneumocytes. These are squamous epithelial cells. ये total cells की 90% होती हैं. और इनका मेन फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर क्यूबॉइडल सेल्स, इन्हें हम टाइप 2 सेल्स भी बोलते हैं। ये टोटल सेल्स की 5-10% होती हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे रिलीजेस प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स नोन एज सर्फेक्टेंट्स।
ये सर्फेक्टेंट्स लंग सर्फेस टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। डाइपेल्मिटॉइल लेसिथिन विच इज अ फॉस्फोलिपिड is an important precursor of lung surfactant. I have already uploaded a video on phospholipids. I'll share link in description below. This is the structure of phosphatidyl choline. यहाँ R1 और R2 position पे अगर 16 carbon palmitic acid add कर दे तो dipalmitoyl lecithin का structure obtain होगा. As discussed, dipalmitoyl lecithin is a precursor of lung surfactant. If we add some protein to it, such as albumin and IgA, it will form lung surfactant. ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड की टेल हाइड्रोफोबिक होती है और हेड हाइड्रोफिलिक होता है। अब ये देखना है कि ये किस तरह से सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। एक बार फिर से एल्वियोलस के स्ट्रक्चर पे आते हैं। हमने देखा था कि किस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एल्वियोलस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लंग्स की टाइप 2 सेल्स जब सर्फेक्टेंट को रिलीज करती है तो ये सर्फेक्टेंट्स वाटर की सरफेस पे कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। सर्फेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक टेल वाटर से दूर जाने की कोशिश करती है, इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स को वो ऊपर की तरफ खींचती है। वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो सर्फेस टेंशन रिड्यूस होता है और इसी के साथ एल्वियोलस कॉन्ट्रैक्शन भी रिड्यूस होता है। सर्फेक्टेंट की इम्पोर्टेंस को इस गंदे से डायग्राम से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये है एल्वियोलस और इसके अराउंड कैपिलरीज और ये कैपिलरीज में प्रेजेंट आरबीसीज। हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर 90% वाटर होता है। अगर टाइप 2 सेल्स सर्फेक्टेंट्स को बिल्कुल सिक्रीट नहीं करती है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। ये सरफेस टेंशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट होकर कैपिलरीज में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस डिजीज़ को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। RDC इन्फेंट्स में होने वाला एक डिसऑर्डर है जिसमें डाइपेल्मिटॉइल लेसिथिन बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड्स बिल्डअप इन एल्वियोलाई कॉजिंग इडीमा। लेस ऑक्सीजन रीचेस टू ब्लड स्ट्रीम। This disease usually affects premature babies. So that was all about lung surface tension and surfactants. I hope you find this video informative. Thanks for watching. Like, share, subscribe.